नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 28 अक्टूबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत ने दीपावली का त्यौहार मनाया। बिहार समेत पूरे भारत ने धूमधाम से दिवाली का त्यौहार मनाया। हर साल की भांति इस साल भी दिवाली के दिन पूरा शहर जगमगा रहा था। दियो और मोमबत्तियों से लोगों ने अपने घर को भी सजाया, साथ ही बच्चों ने शाम होते होते पटाखों का लुत्फ भी उठाया। घाटों की स्थिति पर नजर रखने के लिए छठ पूजा पटना ऐप हुआ लॉन्च। आगामी छठ को लेकर जिला प्रशासन जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में छठ के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर और साथ ही घाटों पर भी नजर बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने छठ पूजा पटना नाम के एंड्रॉइड मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। डाक विभाग ने निकाली भर्तियां। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक ने कई पदों पर रिक्तियां निकाली हैं, जिसके लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो ग्रामीण डाक सेवक के पद के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया है। SC ST PH फीमेल के लिए निःशुल्क है। इसके साथ ही आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी india.post.gds.online.in पर जाकर 14 नवंबर तक आवेदन भर सकते हैं। पावापुरी महोत्सव में भगवान महावीर पर बनाई गई कलाकृति। नालंदा में 2 दिवसीय पावापुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन भगवान महावीर के 2545वें निर्वाण दिवस के अवसर पर किया गया है। इस मौके पर सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र की कलाकृति देखकर बिहार सरकार मंत्री श्रवण कुमार आश्चर्यचकित रह गए। आपको बता दें, सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने बालू पर भगवान महावीर का विशाल आकृति उकेर कर अपनी बेहतरीन कला का जल जीवन और हरियाली पर आधारित कलाकृति के जरिए लोगों को ग्रीन दीपावली मनाने का संदेश दिया है। जल जीवन हरियाली के तहत राज्य में साल भर में 7,70,00,000 पौधे लगाए गए। जल जीवन हरियाली अभियान के मौके पर ज्ञान भवन में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अगले 3 वर्षों में 7,70,00,000 पौधे लगाकर बिहार के हरित आवरण को समृद्ध किया जाएगा। साथ ही साथ अगले 3 वर्षों में वन विभाग 4,092 करोड़ खर्च करेगा। नर्सरी और मनरेगा के साथ पेड़ लगाने के लिए 2,756 करोड़ तथा जल संरक्षण के लिए चेक डैम के निर्माण पर 1,326 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पिछले 24 घंटे में टूटा 20 साल का रिकॉर्ड। बिहार में मौसम में चक्रवाती बारिश के कारण बदलाव देखने को मिल रहा है। दक्षिण बिहार व पटना में शाम के समय में अब ठिठुरन महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगर न्यूनतम तापमान में गिरावट होती रही तो अगले हफ्ते से सर्दियां शुरू हो जाएंगी। मांझी ने AIMIM की जीत पर दिया बड़ा बयान। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने हाल ही में हुए 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में किशनगंज सीट से AIMIM की जीत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी यह जीत NRC मुद्दे के मद्देनजर बेहद जरूरी है। मैं ओबीसी की पार्टी को जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। 31 अक्टूबर तक लड़कियों के स्कॉलरशिप की तारीख बढ़ी। CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट आवेदन की अंतिम तारीख 18 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी है। इस साल 10वीं पास हुई छात्राओं को स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना पड़ेगा, साथ ही साथ एक हार्ड कॉपी को CBSE को भेजना होगा। वहीं पिछले साल जिन छात्राओं को यह स्कॉलरशिप दी गई थी उन्हें इसके रिन्यूअल के लिए आवेदन वापस से आवेदन भरना होगा। आपको बता दें, स्कॉलरशिप के अंतर्गत 2 साल तक छात्राओं को 500 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं। कोसी क्षेत्र में हुए बारिश से कई किसानों को उठाना पड़ा भारी नुकसान। करीब 1 महीना पहले हुई भारी बारिश से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश और जलजमाव से फिलहाल स्थिति यह है कि इस बार किसान धान की खेती नहीं कर पाएंगे। इस कारण क्षेत्र के लोगों को चावल के एक एक दाने के लिए तरसना पड़ रहा है। पानी की निकासी न होने के कारण अभी भी खेतों में काफी पानी जमा है। किसानों का मानना है कि अगर ड्रेनेज विभाग होता तो पानी निकालने में आसानी होती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब सुशील मोदी करेंगे इलेक्ट्रिक कार की सवारी। राज्य में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकारी संगठन इलेक्ट्रिक कार के इस्तेमाल को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी इलेक्ट्रिक वाहन की सवारी शुरू कर दी है। ज्ञात हो, जल जीवन हरियाली अभियान के शुभारंभ के मौके पर सुशील मोदी ने प्रदूषण के मद्देनजर इलेक्ट्रिक वाहन टाटा टाइगर की सवारी प्रारंभ किया। आपको बता दें, महज 3 घंटे चार्ज करने पर यह गाड़ी 110 किलोमीटर चलती है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से 3 दिनों में जुड़े 7,587 लोग। 19 अक्टूबर को समाप्त होने वाली मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 11 नवंबर तक कर दी गई है। परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि जो लोग आवेदन नहीं कर पाए थे उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। आपको बता दें, बाढ़ के कारण कुछ जिलों में आवेदन नहीं कर पाए थे। आवेदकों के अनुरोध पर सरकार ने आवेदन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है, जिसके पश्चात पिछले 3 दिनों में कुल 4,587 लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन भरा है। त्योहारों में 9 अन्य ट्रेनों की जोड़ी गई बोगियां। दीपावली व छठ पूजा के साथ साथ क्रिसमस और न्यू ईयर पर रेल यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। बढ़ती भीड़ के मद्देनजर पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन ने 9 जोड़ी ट्रेनों में 21 अक्टूबर से 20 अप्रैल 2020 तक अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेल से CBRO राजेश कुमार ने बताया कि कुछ ट्रेनों में स्लीपर तो कुछ में जनरल डिब्बों को बढ़ाया गया है।
स्कूलों की फीस बढ़ाने के पूर्व सूचना 31 तक देनी होगी। नए सत्र में स्कूल प्रशासन अब फीस की बढ़ोतरी में अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। जारी आदेश के अनुसार पटना जिला शिक्षा कार्यालय को फीस में बढ़ोतरी की जानकारी देनी होगी। पटना जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार सभी NOC प्राप्त स्कूलों पर हमने पहले ही निजी विद्यालय अधिनियम लागू कर दिया था, मगर अभी भी कुछ स्कूल ने अपने तर्क देकर इन नियमों को मानने से इनकार कर दिया है। 10वीं के सेंटर परीक्षा 7 नवंबर से बिहार बोर्ड के निर्देश पर 10वीं की सेंटर परीक्षा 7 नवंबर से 11 नवंबर तक आयोजित की गई है। इस परीक्षा में राज्य भर के लगभग 17 लाख परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, बोर्ड के आदेशानुसार सेंटर परीक्षा पास करने वाले छात्रों को एडमिट कार्ड मुहैया करवाया जाएगा। 6000 से ज्यादा पदों पर आवेदन भरने की समय सीमा बढ़ी। बिहार सरकार तकनीकी सेवा आयोग ने कुल 6437 पदों के लिए नियुक्तियां निकाली हैं, जिसको भरने की अंतिम तारीख 18 अक्टूबर थी, मगर अब सरकार ने इन पदों पर आवेदन भरने की समय सीमा में बढ़ोतरी की है। इच्छुक अभ्यर्थी अब 28 अक्टूबर तक आवेदन भर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन भरने की शुल्क राशि कुछ इस प्रकार है। बिहार के SC ST PH महिला उम्मीदवारों के लिए 50 रूपए, तो वहीं जनरल OBC अन्य के लिए 200 रूपए। अभ्यर्थी btsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। मुंगेर, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल में हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार है। वहीं मुजफ्फरपुर, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद में हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य ही रहेंगे। भोजपुर जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों का जरूर भ्रमण करने जाएं। भोजपुर जाने वाले लोग इन मशहूर धार्मिक स्थलों का भ्रमण करना ना भूले और नए मंदिर मसाढ़, पश्वरनाथ मंदिर, शिव मंदिर जरूर घूमने जाएं। इसके अलावा शाहजी मस्जिद, आरा हाउस और जगदीशपुर किला भी जरूर घूमने जाएं। पटना से भोजपुर जाने के लिए बस और ट्रेन दोनों की सुविधाएं उपलब्ध है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 3 घंटे का सफर करना होगा, वहीं बस से सफर करने वाले यात्रियों को भी लगभग 3 घंटे का ही सफर करना होगा। बिहार पुलिस होमगार्ड ड्राइवर पद के लिए निकाली गई रिक्तियां। बिहार पुलिस CSBC बिहार पुलिस होमगार्ड विभाग में CSBC बिहार 2019 के माध्यम से होमगार्ड ड्राइवर के पद के लिए 98 पदों पर रिक्तियां निकाली गई हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन भरने के लिए आवेदन शुल्क जनरल OBC अन्य के लिए 450 रूपए, तो वहीं SC ST के लिए 112 रूपए। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। अब राजगीर में 8 सीटों वाली रोप वे का फायदा उठा सकेंगे पर्यटक। विश्व शांति स्तूप के 50वें वर्षगांठ के मौके पर राजगीर में 8 सीटों वाली रोप वे का निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया। दरअसल पुराने रोप वे के ऊपर छोटे बच्चों के बैठने की अनुमति नहीं थी, मगर इस नए रोप वे में एक साथ छोटे बड़े 8 लोग लुफ्त उठा सकते हैं। ज्ञात हो, लोग अक्सर इसी के माध्यम से विश्व शांति स्तूप तक रत्नागिरी पर्वत का सफर करते हैं। पिछले 1.5 दशकों में नालंदा की धरती पर पधार चुके हैं 3 राष्ट्रपति। पिछले 1.5 दशकों में बिहार के नालंदा में अब तक 3 राष्ट्रपति पधार चुके हैं। सबसे पहले आए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उसके बाद प्रणब मुखर्जी बिहार के नालंदा आने वाले दूसरे राष्ट्रपति बने। वहीं इसी साल भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी नालंदा पहुंचे, जिसके पश्चात रामनाथ कोविंद नालंदा आने वाले 3रे राष्ट्रपति बने। 20 सीटर 104 कॉल सेंटर की हुई शुरुआत। स्वास्थ्य संबंधी परामर्श एवं शिकायत के लिए राज्य के लोग अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। बिहार सरकार की नई पहल के तहत अब 24 घंटे स्वास्थ्य संबंधित शिकायत निवारण के लिए सरकार ने 20 सीटर 104 कॉल सेंटर की शुरुआत कर दी है। घर बैठे लोग आसानी से 104 नंबर पर कॉल करके स्वास्थ्य संबंधी परामर्श ले सकते हैं। आम्रपाली और निरहुआ का छठ पर गाया गया एक और गाना कर रहा YouTube पर ट्रेंड। छठ पूजा आने से पहले ही भोजपुरी गानों की धूम देखी जा रही है। इससे पहले आम्रपाली का ही गाना ट्रेंडिंग में था और अब YouTube पर छठ के मौके पर आम्रपाली दुबे और निरहुआ का पहले पहले बानी कैले छठी मैया गाना एक बार फिर ट्रेंड में है। आम्रपाली और निरहुआ के इस नए गाने को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी पर रवि शास्त्री ने कही बड़ी बात। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को लेकर काफी अटकलें लगाए जा रहे हैं। इसी बीच भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर उन पर सवाल उठाने वालों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि धोनी पर बोलने वालों में से आधे लोग अपने जूते के फीते सही से नहीं बांध सकते। देखिए कि उन्होंने देश के लिए क्या उपलब्धियां हासिल की है। लोग इतनी जल्दी में क्यों है कि वह कब संन्यास लेंगे, शायद उनके पास बात करने के लिए कोई और मुद्दा नहीं है। बिहार की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों ने निकाले छुट्टियों की सूची। बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 2020 की छुट्टियों की सूची निकाली है, जिसमें कुल मिलाकर 82 छुट्टियां होंगी। इस बाबत राज्यपाल फागू चौहान ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के वर्ष 2020 के लिए अवकाश कैलेंडर को स्वीकृति दे दी है। सबसे लंबी छुट्टी 9 दिनों की छुट्टी दिवाली के लिए होगी। 24 से 31 दिसंबर 8 दिन की छुट्टियां फिर मिलेंगी। दुर्गा पूजा की 5 दिनों की छुट्टी रहेगी। होली पर 3 दिनों की छुट्टी, वहीं 1 जनवरी और नववर्ष तथा 2 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती की छुट्टी रहेगी। चयनित रीडर ज्वाइनिंग के लिए लगा रहे विश्वविद्यालयों का चक्कर।
लोक सेवा आयोग से चयनित लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है, बल्कि गेस्ट फैकल्टी को चयनित कर नौकरी पर रखा जा रहा है, जिसके कारण चयनित उम्मीदवार 3 महीने से ज्वाइनिंग के लिए विश्वविद्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। कभी मगध विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रहे हैं तो कभी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का। इधर दोनों विश्वविद्यालयों के अधिकारी चयनित उम्मीदवारों को यूं ही टहला रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।